जी हमें यहाँ पे गाइज ओपन करते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला एरो दिख रहा है इस पर आप कितना भी क्लिक करो यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन भी है आपके भाई के पास, ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसे बैक लेता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। जैसे वापस से दोस्तों मैं इसे वापस स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे देखिएगा जैसे ओपन हो जाएगा, जैसे पहले नॉर्मल शो होता था वैसे ही दिख रहा है जैसे गेम प्ले होने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो है आगे चलने के बाद आपको पता चलेगी क्या करना है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे आपको। और अभी एक ही सोल्यूशन है इस अभी गेम प्ले खेलने के लिए, एक ही सोल्यूशन का आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। तो एक ट्रिक है, देखते हैं वो कैसे वर्क करती है। यहाँ पर देखिए वापस मैंने लगाया, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो यानी टोटली ये लॉक है। और ये ऐसा होता क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये समस्या होने की मुख्य वजह है गेम के साइड लोड वर्जन की वजह से ये समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है। अब इसको क्या करना है ये भी मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एप्लीकेशन परमिशन में आ जाना है। जैसे आप आओगे ऐप मैनेजर में चले जाना है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैटल ग्राउंड इंडिया में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है। जैसे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर चेचा कर देनी है। जैसे आप क्लियर चेचा कर दोगे यहाँ पर क्लियर डेटा मत करिएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अब इसके बाद हम रिटर्न जाके गेम प्ले स्टार्ट करेंगे। जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसको मैं यहाँ से हटा। अब यहाँ पे हम वापस से गेम स्टार्ट करते हैं गाइस। अब यहाँ पे गाइस ये करने पर भी यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम 1.6 के अपडेट की वजह से हो रही है, लेकिन इसका और एक सलूशन है मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे अभी अपडेट चल रहा है, अगर 2 घंटे में आपका गेम प्ले वापस स्टार्ट नहीं होता है तो 1.6 का अपडेट आपको करने के लिए एक गेम प्ले अनइंस्टॉल करना होगा। ये हो क्यों रहा है ये भी बताता हूँ। क्योंकि सर्वर पर जब कोई साइड अपलोड होती है तो उसके वजह से जो लोड वहाँ पे पड़ता है उस वजह से ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप गेम अनइंस्टॉल करके अगर आपके पास डेटा है तो वापस से इसे डाउनलोड करिए प्ले स्टोर या टैप टैप एप्लीकेशन से, आपका गेम प्ले 100% स्टार्ट हो जाएगा।